स्वागत कीजिए पुनीत के पैंथर्स की प्रिंसेस प्रोनिता का और उनका साथ देने आ रहे हैं टीवी के प्रिंस ऋत्विक धनजाने. हेलो हाय हाउ आर यू प्रोनिता. हेलो ऋत्विक. हाय हाय आई एम गुड. इसकी जो रियल लाइफ स्टोरी है, लेट मी टेल यू, इसकी रियल लाइफ स्टोरी मेरी रियल लाइफ स्टोरी काफी सिमिलर है. इसने भी सीजन 2 में ऑडिशन किया था, मैंने भी सीजन 2 में ऑडिशन किया था. इसको भी लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, मुझे भी लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, भागो यहाँ से. और हम इतने टाइम के बाद वापस आए. सो दिस इज एक्चुअली डेस्टिनी, दिस इज फेट. एंड देन इसके बाद इस जो कहानी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो सीजन 2 से जुड़ा हुआ है, जो आप परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बट यस, आई थिंक इट्स नॉस्टैल्जिया. सीजन 2 वाले बैठे हैं यहाँ पर दोनों. Performance, yaar, Ritwik. So good to see you back. You know, आपको हमेशा, you know, actually आपने almost हर season में आप आए हैं यहाँ पर. हर season में कहीं ना कहीं कभी as a guest performer. Yeah. कभी audition करता था जब मैंने audition दी थी. Yes, मुझे याद है. कभी as an anchor, but I've always been, मैं हमेशा DID की family से, हमेशा दादा आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ. So I think ये मंच लोगों के लिए देखने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, लोगों का सपना पूरा करने के लिए. This is my house for me. क्या बात है? क्या बात है? एंड प्रोनिता बहुत खुश नजर आ रही थी, यू नो, ऐसा लग रहा था वो माय गॉड मेरा राजकुमार हो तो कुछ ऐसा ही हो, ऋत्विक धनजानी जैसा. हाँ जरूर 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 जरूर
निर्मल, फिर निर्मल क्या यहाँ पे? What's your friend? रितवे कितना सीधा हो गया ना आजकल. जब से यू नो लाइफ में यू नो लड़की आती है तो फिर मैं बेचारा डरा डरा यू नो फ्लर्ट करने में भी ऐसे हिचकिचाते हो. आशा, आशा की नहीं किरण. हाँ. तो देखा ना मैं कितना शर्माया हुआ हूँ. दादा आप तो कितने शर्माए हुए. मुझको तो ऐसे लगता है यू नो हर सैटरडे संडे 9 बजे आप अपनी वाइफ को लेकर ना घुमाने लेके जाते हो ताकि वो आप ये आपका शो ना देख सके. हाँ दादा सच्ची बताओ तूने मुझे पुकारा? हाँ आप ही को पुकारा दादा. ये क्या बोला उससे पहले वाइफ को लेकर? 30 साल पहले की बात कर रहा है. तो चलिए फिर मास्टर से जानते हैं कि उनको आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. एंड मास्टर गई थी जी. ऋत्विक जब भी इस मंच पे या कभी भी मैं आपको डांस करते हुए देखती हूँ यू आर ग्रेसफुल. थैंक यू थैंक यू. यहाँ तक ये एक्ट की बात है द वे आप दोनों ने दर्शाया आई लव द एंड वॉक. I loved it कि आप उनको लेके जा रहे हैं which is symbolic of Master Puneet. He's taking you to the finish line and I wish you all the best. I hope to see you in the top. Thank you, ma'am. All the very best, Pranita and Ritvik. We're honored to sit and watch people like you perform over here. Thank you so much for this performance. Yes, and Master Mudha sir. Ritvik के साथ obviously बहुत बहुत काम किया है काफी shows में and क्या होता है कि जैसे ही आपने शुरू किया वो होता ना एक एक्टर जब स्टेज पे आता है तो पता चली जाता है तो वो आपकी जो वो एक्सप्रेशन से वो बिहेवियर से मालूम पड़ गया कि यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ मास्टर पुनीत. एक पोर्शन किया आपने प्रणीता जहाँ पर ख्वाहिशें आता है और आप ऋतिक उनको लिफ्ट करते हैं और आप पूरा 180 ऑलमोस्ट टर्न करते हैं. क्या उसमें कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी? लेकिन वो स्टेप उसका टाइमिंग उसका प्रेजेंटेशन दोनों का एक्सप्रेशंस और बताना कि एक टीचर एक स्टूडेंट को कितना आगे ले जाना चाहता है. सो दैट वाज रियली टची वेरी अमेजिंग. थैंक यू सो मच. सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डांस मास्टर्स जब भी यहाँ आते हैं तो हमारा एक रीज़न होता है वो होता है कि इन बच्चों को किसी भी तरह से जिताओ. पता है 5 में से 1-1 कम होते जाएंगे बट यार एक जीत के तो जाए कम से कम. वो फीलिंग वो स्पिरिट मुझे इस परफॉर्मेंस में दिखी कि यार मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची जीते और आगे जाए. तो इंशाल्लाह मैं भी यही दुआ करूंगा कि इसी तरह आपके मास्टर्स आपको सिखाते रहें और आप आगे बढ़े. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. मास्टर पुनीत बताइए कैसा लग रहा आपको इन दोनों का परफॉर्मेंस? आई वॉज रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड जब मुझे पता चला कि ऋत्विक आ रहा है एंड ही इज बीइंग पेयर्ड अप विद प्रणीता एंड ये मेरा ऑनर था कि आप मेरा रोल प्ले कर रहे थे. सो स्वीट. थैंk यू. नाउ कमिंग टू प्रणीता I'm so proud of you, not because you're a fabulous person or a fabulous dancer, because आपकी नीयत में इतनी सच्चाई है और आप कभी भी हार नहीं मानते हो. और एक मास्टर की तरह I'm blessed to have you because a master can become the base and do what Ritvik did for the act is only when जब ऊंचाई पाने का सपना हो आपकी तरह. Thank you so much. I love you, Pranita. You're fabulous. I love you too. मैं कुछ कहूँ? मैं भी DID सीजन 2 में आई थी जैसे कि सर ने कहा और उस टाइम मैं नहीं सेलेक्ट हो पाई और मैं बहुत रो के निकली. बट क्या हुआ मैंने फिर DID 2 देखा पूरा 3 देखा मैंने देखा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर है बहुत ज़्यादा मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ. फिर क्या हुआ ऑनेस्टली मैंने DID 4 बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उस टाइम मैं अपने आप को ट्रेन करने लग गई थी. और ये ऑनेस्टली मेरे लिए अभी भी एक ड्रीम जैसा है कि मैं यहाँ पे हूँ इतने बड़े स्टेज में. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतने आगे तक गाऊँगी वो भी लाइक टॉप 11 तक. बहुत ही ज़्यादा ड्रीम जैसे अभी भी. क्या बात है क्या बात है. थैंक यू सो मच प्रणीता. ग्रैंड मास्टर ऋत्विक एंड प्रणीता अपनी कहानी डांस की जुबानी. एक दर्द था लेकिन दर्द के पीछे मिठास की खुशबू भी थी और इस मीठे दर्द को अगर अपनी जबानी बयान करने जाऊं तो काफी वक्त लग जाएगा. बेहतर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.
Thank you so much, Grandmaster. So, chalo yaar, abhi smile kar do, Pranita. Tumhare aankhon mein, you know, aansu zara bhi achhe nahi lagte. Before we go, ek meri choti si request hai. Bilkul. Isse pehle ki main jaun. Do you guys remember Puneet sir ka ye wala audition jo maine kiya tha? Sabko yaad hai na? Wo jo ekdam contorted contemporary, kuch alag hi dhang sa tha. Puneet, this is my personal request. Kya main wo ek bar tumhare saath kar sakta hu yahan pe? We both look like brothers, yaar. Bhai lag rahe dono. Come on, let's do this, please. Give up for Master Puneet, everybody. School ke students aa gaye saath mein bade acche lag rahe lekin so thank you so much master puneet for this lovely performance zordar taali ho jaye master puneet ke liye all right then thank you so much ritvik and thank you so much pranita for this lovely performance तो चलिए फिर ग्रैंड मास्टर आप बताइए कि आप किसकी कहानी सुनेंगे आप कहानी सुनेंगे नहीं कहानी बनाएंगे वो कैसे हमारे पास चारों सीजन के डांसर्स इधर मौजूद हैं मैं जिन जिन के नाम लूंगा वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं सीजन वन से सिद्धेश सीजन टू से साजन सीजन थ्री से पॉल एंड सीजन फोर से शाम ये क्या हो रहा है दादा चार सीजन के चार टॉप डांसर्स हैं आप चारों एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और हमें देखना है किसमें कितना है दम क्या बात है क्या बात है सो आर यू गाइस रेडी आर यू गाइस रेडी या गो फॉर इट देन All right, so मैं आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बैटल के लिए तैयार हो जाइए थैंक यू मैदान तैयार है हर सीजन के डांसर आमने सामने हैं अब इनके बीच होगा डांस का वो बैटल जो होश उड़ा देगा पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़ी चीज है इसके लिए आपको भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा और हाँ तैयार रहना होगा हमारे बचे हुए छह डांस फाइटर्स की कहानी सुनने के लिए तो कल पूरी तैयारी के साथ आइए तभी मिलते हैं और तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग अब जब जानते हैं तो फिर मैं क्यों बोलूं